हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। कृति एक, किसी एक अनुपयोगी माचिस के बॉक्स जैसे डिब्बे के अंदर वाला ट्रे लो। उसमें छोटी सी चुंबक सुई रखो। अब विद्युत सुचालक का लंबा तार लेकर उसे ट्रे के चारों ओर लपेटो। विद्युत सेल, प्लग, कुंजी, इसे तार तथा बल्ब से जोड़कर परिपथ पूर्ण करो। अब चुंबकीय सुई की स्थिति देखो। एक चुंबक पट्टी लेकर उसे चुंबक सुई के पास लेकर जाओ। क्या दिखाई दिया? चुंबक सुई के एक तरफ नज़र रखकर परिपथ की प्लग कुंजी दबाओ। बल्ब प्रकाशित होगा, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हुआ है, यह ध्यान में आएगा। चुंबक सुई अपनी दिशा बदलती है क्या? अब प्लग कुंजी को खुला करो। चुंबक सुई पुनः अपनी मूल दिशा में स्थिर होगी। क्या इस प्रयोग से तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे? चुंबक सुई अर्थात एक छोटा सा चुंबक ही होता है, यह तुम्हें मालूम है। छड़ चुंबक को चुंबक सुई के पास ले जाने पर चुंबक सुई अपनी दिशा को परिवर्तित करती है, यह तुमने देखा है। उसी प्रकार परिपथ में विद्युत धारा शुरू करने पर भी चुंबक सुई अपनी दिशा परिवर्तित करती है, यह भी निरीक्षण तुमने किया। अर्थात तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड, इस वैज्ञानिक ने ऐसा निरीक्षण सर्वप्रथम स्पष्ट किया था। संक्षिप्त में ऐसा कह सकते हैं कि किसी विद्युत सुचालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। कृति दो, लगभग एक मीटर लंबी विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की नरम तार लेकर लोहे के किसी कील या स्क्रू पर कसकर लपेटो। तार के दोनों सिरे आकृति में दिखाए अनुसार विद्युत परिपथ के साथ जोड़ो। परिपथ में विद्युत सेल और प्लग कुंजी भी जोड़ो। स्क्रू के पास दो से चार लोहे की ऑल पिने रखो। अब प्लग कुंजी बंद करके परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाह शुरू करो। ऑल पिने स्क्रू के सिरे से चिपकी हुई दिखाई देंगी। प्लग कुंजी खोलने करते ही ऑल पिने चिपकी हुई स्थिति में ही रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्क्रू के चारों ओर लपेटे गए तार के कुंडल में चुंबकत्व का निर्माण होता है और इसी के कारण स्क्रू में चुंबकत्व का निर्माण होता है। विद्युत प्रवाह खंडित होते ही वह नष्ट हो जाता है। कुंडल एवं स्क्रू, इस संहिता को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक के विविध उपयोग तुमने पिछली कक्षा में देखे हैं। विज्ञान अनुसंधान में उपयोगी तीव्र चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। घरों में प्रवेश द्वार पर लगी सादी विद्युत घंटी तुमने देखी है, ऐसी बंद पड़ी कोई एक घंटी खोलकर देखो। विद्युत घंटी का बाह्य आवरण निकाला गया है, हमें दिखाई देता है कि उसमें भी विद्युत चुंबक का ही उपयोग किया गया है। इस घंटी का कार्य कैसे चलता है यह हम देखेंगे। तांबे की तार एक लोहे के टुकड़े पर अनेक बार लपेटी गई है, यह कुंडल विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करता है। एक लोहे की पट्टी मुंगरी के साथ विद्युत चुंबक के पास जुड़ी होती है। इस पट्टी के संपर्क में स्क्रू होता है। विद्युत परिपथ आकृति में दिखाए अनुसार संयोजित किया गया है। स्क्रू पट्टी से जुड़ते समय परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके कारण कुंडल का विद्युत चुंबक बनता है और वह लोहे की पट्टी को आकर्षित करता है, जिसके कारण घंटी पर मुंगरी का प्रवाह प्रहार होकर ध्वनि का निर्माण होता है। परंतु उसी समय संपर्क स्क्रू का लोहे की पट्टी से संपर्क टूटता है और परिपथ का विद्युत प्रवाह खंडित होता है। इस स्थिति में विद्युत चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है और लोहे की पट्टी पुनः पीछे की ओर आकर
संपर्क स्क्रू को चिपकती है, जिसके कारण तुरंत फिर से विद्युत प्रवाह शुरू होता है और उपयुक्त क्रिया पुनः घटित होकर मुंगरी घंटे पर प्रहार करती रहती है। यह क्रिया बार बार होती है और घंटे से ध्वनि उत्पन्न होती है।